तो थंबनेल देखकर आ ही गए हो तो इसका मतलब है या तो आपको सेट नहीं आती या फिर आपका कन्फ्यूजन है। तो अगर एक बार आ ही गए हो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। हाय फ्रेंड्स, आई एम आंतरिक पंडित एंड यू आर वॉचिंग लर्न इन माई वे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि आज हम सेट थ्योरी को लेकर डिस्कस करेंगे, तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेट एक्चुअली क्या है। तो डेफिनेशन जानने से पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पे आप लोगों को एक बकेट दिख रहा होगा और बकेट के अंदर ढेर सारे फ्रूट्स भी दिख रहे होंगे। अभी देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स है, एक ही टाइप का फ्रूट नहीं है। यहाँ पे एप्पल दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, ग्रेप्स दिख रहा है। तो ये बकेट हो गया एक कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। तो इसको हम सेट के साथ रिलेट कर सकते हैं। सेट भी ऐसा ही कुछ है कि एक ऐसा कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन हमें कहता है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट। मतलब सेट एक ऐसा कलेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जहाँ पे ईच ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग होगा और सबका ओन राइट रहेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रीड करते हैं इस डेफिनेशन को कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट। सेट का एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेट है सी जिसका एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट है डी का एलिमेंट है 3, 4, 5। तो ये एक सेट हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ईच एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें एक ही वन दिख रहा है, दो दो वन नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए डी सेट का एलिमेंट्स देखिए 3, 4, 5 सब एक ही है, 3 भी एक है, 4 भी एक है, 5 भी एक ही है। तो सेट में कुछ डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं, तो अभी हम उनका मीनिंग जानेंगे और इस मीनिंग को समझने के लिए हम सी और डी सेट को ही कंसिडर करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेट को कैसे डिनोट किया जाता है। सेट को ये ऐसे दो थर्ड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के जरिए सेट को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये जो एक सेट है वो हमें कैसे पता चल रहा है, ये दोनों ब्रैकेट से हमें पता चल रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट सिंबल है ए यूनियन बी, जहाँ पे ए एक सेट है, बी भी एक सेट है। बीच में ये जो साइन दिख रहा है आपको, इसे हम यूनियन बोलते हैं, कैपिटल यू की तरह दिखता है ये। तो यूनियन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ए और बी और बोथ, मतलब ए और बी को एक साथ ले करके देखेंगे तो हमें यूनियन मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सी यूनियन डी, सी और डी दोनों का यूनियन, मतलब यह है सी, यह है डी का यूनियन। मतलब इन दोनों का जितना भी एलिमेंट्स हमें दिख रहा है इन सबको एक ही सेट में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी यूनियन डी इज इक्वल्स टू, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये है C का एलिमेंट और D का एलिमेंट है 3, 4, 5। तो इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो हमें 1, 2, 3, 4 और 5 मिलेगा। अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें 2, 2, 3 और 2, 2, 4 दिख रहा है। 3 और 4 C में भी है, 3 और 4 D में भी है, लेकिन हम जब यूनियन लिखेंगे C यूनियन D जब हम फाइंड करेंगे तब हम 3 और 4 को एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। क्योंकि अगर हम एक ही एलिमेंट दो बार रिपीट हो जाता है तो उसका मतलब वो सेट नहीं रहता है। तो इसीलिए हम सी यूनियन डी में यहाँ पे आपको एक ही बार 3 लिखना है और 4 भी एक ही बार लिखना है। फिर नेक्स्ट जो सिंबल है वो है ए इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ए और बी इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि सी इंटरसेक्शन डी होगा 3, 4 क्योंकि C और D में ये दोनों ही एलिमेंट्स कॉमन है 3 और 4। फिर नेक्स्ट सिंबल है A सबसेट इक्वल्स टू D। इस सिग्नेचर को हम सबसेट इक्वल्स टू बोलते हैं। इसका मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई सेट अगर हम लेते हैं 3, 4, 5 वो सबसेट इक्वल्स टू है D का। मतलब ये जो 3, 4, 5 ये जो सेट है वो कहाँ पे है, डी पे ही तो है, डी में ही तो है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं 3, 4, 5 सबसेट इक्वल्स टू डी, मतलब 3, 4, 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ डी। नेक्स्ट सिंबल है ए सबसेट डी।
ए प्रॉपर सबसेट बी भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का एवरी एलिमेंट बी में है लेकिन बी का एलिमेंट ज्यादा है। Every elements of A is in B, but B has more elements. जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 और 5 B का सबसेट है। 3 और 5 अगर एक सेट है तो वो 3 और 5 सेट D का सबसेट है, लेकिन B में और भी कुछ elements है। यही ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसेट equals to और proper subset, इन दोनों का difference यही है। सबसेट इक्वल्स टू का मतलब जो सेट से हम कंपेयर कर रहे हैं उस सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के साथ मैच करेगा। उस सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में है, लेकिन अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो वहाँ पे इस सेट से हम कंपेयर कर रहे हैं उस सेट का एलिमेंट्स दूसरे सेट में तो है ही, साथ ही साथ दूसरा जो सेट है उसमें और भी कुछ एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सिंबल है ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसको नॉट अ सबसेट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ए बी का सबसेट नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक सेट लेते हैं 1 और 6, क्या वो सी का सबसेट है? सी में नहीं दिख रहा है हमें, 1 और 6 नहीं दिख रहा है। 1 तो है लेकिन 6 नहीं है, ठीक है। तो सबसेट प्रॉपर सबसेट होने का मतलब क्या है कि जिस सेट से हम कंपेयर कर रहे हैं उस सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 1C का एलिमेंट है लेकिन 6C का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसीलिए ये होगा नॉट अ सबसेट। उसके बाद उसी तरीके से नेक्स्ट ट्री जो सिंबल आपको दिख रहा है कि सुपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नॉट अ सबसेट, ये भी सेम ही है, बस डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज्ड है। अभी आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसके साथ किसको हम कंपेयर करना है, किसके साथ किसको कंपेयर नहीं करना है। ऐसा अगर कन्फ्यूजन कभी होता है तो याद रखना है एक छोटा सा ट्रिक, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर जब भी आप इस साइन को देखेंगे, ठीक है, ये जो साइन है, साइन का देखिए, साइन का अगर हम दो साइड इमेजिन करें, एक साइड देखिए यहाँ पे ओपन है और दूसरा साइड क्लोज्ड, ठीक है। तो जिस साइड ओपन है भी डायरेक्शन में उस साइड का सेट बड़ा होता है और जो साइड क्लोज्ड है उस साइड का सेट छोटा होता है। खैर चलिए अभी नेक्स्ट सिंबल में जाते हैं। नेक्स्ट सिंबल है ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर में ऐसा सी लिखा हुआ रहेगा, अभी सी भी लिखा हुआ रह सकता है या फिर डैश ही आप दे सकते हैं, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी जितने भी सेट है उन सबको हम कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। अभी बाकी जितने भी सेट कहाँ पे है? यूनिवर्सल सेट के अंदर है। एक बात हमेशा याद रखना कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे के सारे सेट इंक्लूडेड है। तो अभी अगर हम ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो इसका मतलब है ए सेट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको लेकर अगर हम एक सेट बनाएंगे उसी को हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन इसका कॉम्प्लीमेंट सेट होगा 1, 2, 6, 7, डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डी सेट था 3, 4 और 5, ठीक है, डी सेट का एलिमेंट था 3, 4, 5। तो डी कॉम्प्लीमेंट मतलब डी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है उन सबका एक सेट बनाएंगे जो है 1, 2, 6, 7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस है। अभी डिफरेंस का मतलब माइनस नहीं करना है, डिफरेंस का मतलब है कि दो सेट आपको दिया जाएगा, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। एक बड़ा बोलने का मतलब क्या है, उस सेट में ज्यादा एलिमेंट्स है, ठीक है, ज्यादा एलिमेंट्स है तो उस सेट का साइज बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे दो सेट आपको दिया जाएगा जहाँ पे ए सेट में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे और बी सेट में कम एलिमेंट्स होंगे। तो अभी उन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे जो सब कॉमन एलिमेंट्स है उनको हमें छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है उनका एक सेट बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो सेट दिख रहा है 1, 2, 3, 4 - 3, 4, ये दूसरा सेट है। तो यहाँ पे अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो ये जो 3, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है दूसरे सेट में, तो इनको अगर हम छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 2। तो 1, 2 इन दोनों एलिमेंट्स को लेके जो सेट हमें मिलेगा वही है ए माइनस बी। इसी तरीके से नेक्स्ट सिंबल है ए बिलोंग्स, इस सिंबल को बोला जाता है बिलोंग्स टू सेट थ्योरी में। तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पे स्मॉल ए एक्चुअल में एक एलिमेंट है, ठीक है, स्मॉल ए कोई सेट नहीं है। तो याद ध्यान में रखना है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में हम डिनोट करेंगे, कभी भी स्मॉल लेटर में डिनोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ए है, ये एक्चुअल में एक एलिमेंट है जो कि ए में, कैपिटल ए जो दिख रहा है
इस सेट के अंदर है, तो इसी को हम belongs to, ये जो नोटेशन है से हम डिनोट करते हैं कि A belongs to capital A। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए कि 3 belongs to 1, 2, 3, 4, ये जो 3 है ये 1, 2, 3, 4 इस सेट का ही एक एलिमेंट है। नेक्स्ट थिंग देखिए नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब B जो एलिमेंट है वो A में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 इस सेट में नहीं दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 इस सेट में 6 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 6 इस सेट कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट I, इस 5 को हम नल सेट को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, नल मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब जिसका अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट, जो दोनों ब्रैकेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक फुल स्टॉप भी नहीं लिखना है इस सेट के अंदर, तभी ये होगा एक नल सेट। अगर आप देखिए यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 4 इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स को लेकर जो सेट हम बनाएंगे उसी को हम इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हर सेट का सबसेट होता है नल सेट, मतलब हर सेट के अंदर एक नल सेट रहता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको एलिमेंट्स तो दिख रहा है 1 और 2, अगर हम इस सेट को कंसिडर करें तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स तो दिख रहा है 1, 2, साथ ही साथ यहाँ पे एक नल सेट भी हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, जो आपको नहीं दिख रहा है। नल सेट है ना, एम्प्टी है, कुछ नहीं दिख रहा है, एलिमेंट तो है ही नहीं, तो क्या दिखेगा। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हर सेट में एक नल सेट रहता है। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें वो एक नल सेट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। इसका मतलब क्या है कि जितने भी सेट हम बनाएंगे वो एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट एक एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हमें मान के चलना है कि हर सेट उस सेट का एक सबसेट है। नेक्स्ट सिंबल है P ऑफ A, मतलब P ऑफ A का मतलब होता है कि पावर सेट, पावर सेट। भाई पावर सेट क्या है कि A जो सेट हमने कंसीडर किया है उसका जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकता है उन सब को लेकर के अगर हम कोई सेट बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे पावर सेट। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि P ऑफ 1 एंड 2, तो इसका क्या क्या सबसेट बन सकता है, एक तो नल सेट बनेगा ही, जैसे कि आपको मैंने समझाया कि हर सेट के अंदर एक नल सेट रहता है, तो एक नल सेट हो गया, फिर 1 एक सेट होगा, फिर 2 एक दूसरा सेट होगा, ठीक है, मतलब एक एक एलिमेंट्स को लेके एक एक सेट होगा, फिर 1, 2 दोनों को ही लेके एक सेट होगा, ठीक है, सबसेट इक्वल्स टू। इसका मतलब देखिए नल सेट भी एक सबसेट है, 1 भी एक सबसेट है, 2 भी एक सबसेट है, और 1, 2 ये भी एक सबसेट है। उन सबको लेकर के हम जो एक सेट बनाएंगे उसको ही हम पावर सेट बोलते हैं। अभी किसी भी सेट का पावर सेट कितना आएगा, इस ये आपको कितने सारे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस पावर सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अभी ये नेसेसरी नहीं है कि हर जो भी सेट आपको, जो भी सेट का पावर सेट आपको निकालने के लिए दिया जाएगा उन सब का पावर सेट के अंदर सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है 2 to the power n, 2 to the power n, n है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। किसी भी पावर सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स रहेगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 to the power n के फॉर्मूले से। यहाँ पे देखिए एज एन एग्जांपल हम देखते हैं कि 1 एंड 2, ये दोनों एलिमेंट्स हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स का मतलब है n का वैल्यू होगा 2, तो इसका मतलब, तो इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट्स रहेगा, 2 to the power n, मतलब n का वैल्यू अगर 2 होता है तो 2 स्क्वायर, मतलब 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट्स ही है, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के हॉल में, ये गिनती याद रखना कि 2 to the power n नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन द पावर सेट। फिर नेक्स्ट देखिए a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b का मतलब क्या है कि A का जितना भी एलिमेंट्स है और B का जितना भी एलिमेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो दोनों इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए A में है 3, 4, 5, 3 एलिमेंट्स, B में भी दूसरे सेट में भी है देखिए 5, 3, 4, यहाँ पे भी है 3 एलिमेंट्स, तो देखिए दोनों सेट में ही यहाँ पे हमें 3-3 एलिमेंट्स दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेट इक्वल है, इक्वालिटी, हम इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है a क्रॉस b, इसको हम क्रॉस बोलते हैं। तो a क्रॉस b मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है,
दोनों सेट कंसिडर हमने करना है। दो सेट क्या है, 1, 2 एंड 3, 4, ये दोनों दो सेट है। तो अब इन दोनों सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब एक ऐसा सेट हम बनाएंगे जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स में ए और बी दोनों का एलिमेंट्स को हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सेट पहले बनाया, अभी उसके अंदर एलिमेंट कैसे डालना है देखिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। इस टाइप का एलिमेंट, जैसे आपको बीच में कॉमा दिख रहा है, दोनों एलिमेंट दिख रहा है, इस टाइप का एलिमेंट को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो पहला जो सेट दिख रहा है, इस सेट का ईच एलिमेंट को दूसरे सेट का ईच एलिमेंट के साथ एक एक बार हमें लिखना है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और सेकेंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट है 3। तो 1 और 3 का हम पहले एक पेयर बनाएंगे, फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 1 और 4। फिर हमें दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट है 4, तो हम दूसरा पेयर क्या बनाएंगे, 1 एंड 4 1 4। इसी तरीके से फर्स्ट सेट का सेकेंड एलिमेंट है 2 और सेकेंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो इन दोनों को अगर एक साथ हम पेयर बनाएंगे तो हमें मिलेगा 2 3, और इसी तरीके से 2 4। फिर नेक्स्ट जो सिंबल है वो है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब क्या है कि ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 एंड 4, ये जो सेट है, इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ईजी है। नेक्स्ट ये जो सिंबल दिख रहा है, इसको हम सच दैट बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन बाद में बहुत आएगा, तो इसको देखते हैं कि किसी सेट को हम इस सच दैट सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सेट यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि n सच दैट n ग्रेटर देन 0, मतलब इस सेट के अंदर n एक ऐसा एलिमेंट होगा जो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स पॉसिबल है। देखिए, 1 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है। इसी तरीके से जितना भी नंबर्स है ग्रेटर देन 0 अप टू इन्फिनिटी, वो सब इस सेट का एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं। तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इतना लंबा ना लिख के हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि n such that n greater than 0। इसी तरीके से such that का और एक भी सिंबल आता है, ये का भी काम सेम ही है, ठीक है, आप समझ गए पॉइंट। फिर नेक्स्ट सिंबल है फॉर ऑल। देखिए उल्टा एक ही तरह दिखता है ये। फॉर ऑल का मतलब ये है कि फॉर ऑल x greater than 1, x square is greater than x। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि अगर x greater than 1 होगा, x का जितना भी वैल्यू है, ठीक है, फॉर ऑल का मतलब क्या है कि x का जितना भी वैल्यू है, मतलब x को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा जितना भी नंबर है उनसे, तो 1 से बड़ा जितना भी नंबर है उन सब के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल होता है कि x स्क्वायर ग्रेटर देन x होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर आप सोचिए, सपोज 5 ले लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 25 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर यहाँ पे ग्रेटर देन x, मतलब 25 ग्रेटर देन 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। फिर इसी तरीके से देयर एग्जिस्ट, देयर फोर, ये सब सिंबल्स भी आते रहेंगे। फिर नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स। इस नेचुरल नंबर्स का सेट, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का सेट मतलब क्या, जो अच्छा नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, वो सब नंबर जो काउंटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इन सब नंबर्स को लेकर अगर हम कोई सेट बनाएंगे तो उसको हम नेचुरल नंबर्स का सेट बोलेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3, इस तरीके से इन्फिनिटी तक। उसके बाद नेक्स्ट है जेड सेट, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई रैशनल नंबर नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर ही इस सेट के अंदर आएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो तक और जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर्स है सब इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है।
अच्छा, और एक बात यह है कि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम काउंटिंग कभी भी नेगेटिव में नहीं करते हैं, ठीक है। हम काउंटिंग हमेशा वन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, कभी नेगेटिव से तो काउंटिंग नहीं करते कि -1 -2 -3, ऐसे थोड़ी काउंट करते हैं, नहीं करते है। तो इसीलिए नेचुरल नंबर का सेट में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट है रैशनल नंबर का सेट। रैशनल नंबर मतलब 3/2, 4/6, इस टाइप का जितने भी नंबर्स है उन सब नंबर्स का सेट है रैशनल नंबर। इसी तरीके से एल्जेब्रिक नंबर्स का सेट। रियल नंबर का सेट मतलब जितने भी रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब क्या, जितने भी नंबर पॉसिबल नंबर्स है सब -∞ to +∞ तक, वहाँ पे नेचुरल नंबर भी रहेगा, इंटीजर भी रहेगा, रैशनल नंबर भी रहेगा, सब 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 नंबर ही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, इमेजिनरी और अनरियल नंबर को छोड़ के। अनरियल मतलब क्या, √-1, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब नंबर रियल नंबर्स है, और उन सब नंबर्स का सेट को हम रियल नंबर्स का सेट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए इमेजिनरी नंबर का सेट। इमेजिनरी नंबर क्या है, मैंने आपको बताया ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर में मैंने आपको ये फुल डिटेल्स दिया है। आपको अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप उस वीडियो को जाके बाद में देख लेना। अभी के लिए मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर होता है कि एक नंबर, इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं और आई का वैल्यू होता है √-1, ठीक है, यह है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का जितना भी इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पे देखिए i, 2i, 3i, 4i, ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा, उन सब नंबर्स का सेट को हम इमेजिनरी नंबर का सेट बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको पता ही होगा क्या है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में जो मैंने समझाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है और अनरियल पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उन सब कॉम्प्लेक्स नंबर का जितने भी सेट है उसको हम इस कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि सेट क्या है और उसमें यूज होने वाले कुछ एसेंशियल सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे वेन डायग्राम और सेट थ्योरी के रिगार्डिंग लॉज। तब तक के लिए अलविदा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।